हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, अधिकांश डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि हम इतना ध्यान, मेडिटेशन, इनर वर्क करते हैं, लेकिन हमारे डीएम से हमारा रियूनियन कब होता है? फाइनल रियूनियन कब होता है? आखिर डीएम कब वापस लौट कर आते हैं? तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके कि आखिर वो कौन सा स्टेज है जहाँ पर डीएफ पहुँचती है, खुद पर इतना काम करती है कि उनके डीएम को वापस आना पड़ जाता है। आखिर डीएम का वापस आना कैसे होता है? तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। एक उदाहरण है कि अगर एक इंसान किसी इंसान का पीछा कर रहा है बेतहाशा और सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो एक ऐसा समय आता है जब पीछा करने वाला इंसान रुक जाता है और वो कहता है कि अब इसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं, मुझे खुद की ओर मुड़ना है, और वो मूव ऑन कर लेता है, खुद की ओर मुड़ जाता है। तब जो इंसान बहुत ज़्यादा भाग रहा था वो रुक जाता है और मुड़कर देखता है कि मेरे पीछे जो इंसान भाग रहा था वो अब क्यों नहीं आ रहा है, वो मेरे पीछे दौड़ क्यों नहीं रहा है। उसे उत्सुकता होती है कि ऐसा क्यों हुआ, और तब वो उसकी ओर ध्यान देता है, उसकी ओर फोकस करता है, उसके बारे में सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है, क्योंकि ये जर्नी एनर्जी का एक गेम है। जब तक आपकी एनर्जी सामने वाले की ओर लगी रहेगी तब तक वो इंसान भागता रहता है। जैसे ही आप खुद की ओर मुड़ते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, आप अपनी एनर्जी सेव करने लगते हैं, वो इंसान रुक जाता है और फिर ये सोचने लगता है कि ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसके द्वारा आप जानेंगे कि डीएफ खुद पर काम करके खुद को इतना बैलेंस कर लेती है कि उनके डीएम को वापस आना पड़ जाता है। फर्स्ट पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग के एनर्जी से बाहर आना। डीएम के चले जाने के बाद डीएफ चेजिंग की एनर्जी में रहती है, वेटिंग की एनर्जी में रहती है। हर वक्त वो सिर्फ यही सोचती रहती है कि मेरा डीएम कब वापस आएगा, और ऐसा ही करते करते उसका कितना ही समय वेस्ट हो जाता है। वो ना तो खुद पर काम कर पाती है और ना खुद को हील कर पाती है। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जब डीएम वापस आते ही नहीं, वो या तो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं, या बिल्कुल भी अपने डीएफ की ओर ध्यान नहीं देते, तब डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, ट्रिगर होती है, और ये निर्णय करती है कि अब मुझे उनके पीछे नहीं भागना, मुझे खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर फोकस करना है, खुद पर काम करना है, और उसके बाद वो खुद की ओर मुड़ जाती है। ये उसका फाइनल डिसीजन होता है जब वो अपने डीएम को पूरी रीति से उनकी जानकारी लेना, उनके बारे में जांच पड़ताल करना, उनकी एनर्जी पता करना, ये सब कुछ छोड़ देती है। अब वो वेटिंग की एनर्जी में भी नहीं रहती, उसको कोई इंतज़ार नहीं है कि अब मेरा डीएम आएगा, क्योंकि अब उसने खुद पर फोकस किया है और वो खुद पर काम कर रही है। सेकंड पॉइंट है इनर वर्क करना। जब डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में होती है तो डिवाइन की ओर से उनको गाइडेंस मिलते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और उसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि इनर वर्क करो, खुद को हील करो, बैलेंस करो और अपनी इस जर्नी को पूरा करो। तो वो खुद पर काम करना शुरू करती है, इनर वर्क करना शुरू करती है। अब ये इनर वर्क भी एक काम नहीं होता, इसमें कईयों प्रकार के काम होते हैं। जैसे कि नॉर्मल जर्नी के लोग सिर्फ पूजा पाठ आदि करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत आपको 7 चक्र मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन तमाम बातों को इसमें लागू करना होगा, आपको कर्मा क्लिनजिंग करना होगा, पितृदोष का निवारण करना होगा, अपनी एनर्जी को सेव करना होगा। तो इस प्रकार की तमाम बातें होती है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत है। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और इसके द्वारा आप खुद पर काम करते हैं। और ऐसा करके डीएफ पहले अपने आप को हील करती है, वो सारे जख्म, वो घाव जो उनके दिल पर लगे हैं उसको पूरी रीति से हील करती है, बैलेंस होती है और खुद पर फोकस करती है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट है इश्यूज़ क्लियर करना। इस जर्नी में जब एक डीएफ खुद पर काम करना शुरू करती है, इनर वर्क करती है यानी कि आंतरिक कार्य, तो सबसे पहले अपने तमाम इश्यूज़ क्लियर करती है। वो सारे वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस उनको एक एक करके रिलीज़ करने लगती है, क्योंकि जो डार्कनेस हैं, वुंड्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं वो इसी जन्म के नहीं हो सकते, वो पास्ट लाइफ के भी होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, निगेटिविटी को दूर करते हैं, पॉजिटिविटी को लाते हैं। इसके द्वारा आप खुद को हील करते हैं, सारे इश्यूज़ क्लियर करते हैं, तब आप अपने इस आंतरिक यात्रा में एक शुद्धिकरण के मार्ग में बढ़ने लगते हैं। आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे आपके डीएम आपकी ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जब आप खुद को हील करते हैं, अपने इश्यूज़ क्लियर करते हैं, जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है तो उसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर भी पड़ता है। वो भी हील होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं, उनके भी चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, इसीलिए वो अपनी डीएफ की ओर मुड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है अनकंडीशनल लॉ में होते हैं। जब आप खुद को हील करना शुरू करते हैं तो आप अनकंडीशनल लव में पहुंचते हैं, और जैसे ही आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो आपका हार्ट चक्र फिर से एक्टिवेट हो जाता है। आप अपने हार्ट को हील कर चुके होते हैं, सारा दर्द दूर हो चुका होता है, और इसके द्वारा आप अपने भीतर असीमित प्रेम को महसूस करने लगते हैं, अनकंडीशनल लव से भर जाते हैं। उस वक्त आपके साथ किसी ने जैसा भी व्यवहार किया था या आपको ट्रिगर दिया था या आपसे अभद्र व्यवहार किया था, उन सारी बातों के लिए आप उनको क्षमा कर चुके होते हैं, और उसमें आपका ट्विन भी शामिल होता है। आप पुरानी बातों को जो आपको दर्द देती है उसको आप याद नहीं करते। आपके मन में, आपके हृदय में अनकंडीशनल लव होता है अपने ट्विन के लिए और दुनिया के हर एक इंसान के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए। इस प्रकार आपको हमेशा लव की वाइब्रेशन फील होती है। आप में से बहुत से लोगों को हार्ट शेप दिखता होगा, या फिर पशु पक्षी के जोड़े दिखाई देते हैं, मनुष्यों के जोड़े दिखाई देते हैं, और राधे कृष्ण शिव शक्ति हमेशा आपको जोड़े में दिखाई देते हैं। इसीलिए क्योंकि जब आप लव की वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप अनकंडीशनल लव में होते हैं, और जब आप उस प्यार को अनुभव करने लगते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपके ट्विन पर पड़ता है, और वो भी उसी भाव में आ जाते हैं, वो भी अनकंडीशनल लव को फील करने लगते हैं, उनका ध्यान आपकी ओर आने लगता है। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ लव करना। ये जर्नी सेल्फ लव सिखाती है, और आपके डीएम का जाना भी ये संदेश देता है कि मुझसे पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। जब तुम खुद से प्यार करोगी तो मुझसे प्यार करोगी। जब तुम खुद की वैल्यू करोगी, खुद को समझोगी, खुद का सम्मान करोगी, तो वो प्यार तुमको वापस मिल जाएगा। इस बात को जब डीएफ समझती है और खुद पर काम करने लगती है, खुद से प्यार करने लगती है, खुद की वैल्यू करने लगती है, तो वो सारी चीज़ें उसको सामने से मिलने लगती है। जब वो अपनी ही कंपनी को एंजॉय करती है, उसको अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है, जब वो खुद के साथ होती है तो बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है। तो इसके द्वारा उस प्यार को, सम्मान को या उस कीमत को जो उसकी है वो सामने लोगों से आकर्षित करती है, और इसमें उनका ट्विन भी शामिल होता है। तो ये जर्नी यही संदेश देती है कि सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि डीएम तो आपके ही भीतर है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने डीएम से भी प्यार करते हैं, और जब आप खुद की रेस्पेक्ट करेंगे, खुद की वैल्यू करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको सामने से मिलने लगेगी। 6 पॉइंट है, ट्रिगर नहीं होते। एक ऐसा समय था जब आप लो वाइब्रेशन में रहते थे और हर इंसान की बातें आपको ट्रिगर करती थी। आप हर्ट होते थे, आप दुखी होते थे, आपको हमेशा ऐसा लगता था कि हर इंसान एक कार्मिक की तरह बात कर रहा है। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं, तो कोई भी आपको ट्रिगर नहीं कर पाता। यहाँ तक कि जिनको आप कार्मिक कहते हैं उनकी बातों से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो या तो आपके अच्छे सोलमेट बन जाते हैं या एक समय अंतराल के बाद आपके जीवन से चले जाते हैं। डीएम जो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से या थर्ड पार्टी के बारे में बातें कर करके आपको ट्रिगर करते थे, अब उनका ट्रिगर करना ये बातें भी नहीं रहती, क्योंकि वो अब आपको ट्रिगर नहीं कर पाते। और उसका कारण है आपका हाई वाइब्रेशन में रहना, जिसकी वजह से चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन हो, कोई भी इंसान आपको ट्रिगर नहीं कर पाता। 7 पॉइंट है, हाई वाइब्रेशन को फील करना। जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं और इसके द्वारा आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं, 3D में भी और स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी। क्योंकि इस जर्नी में एक ट्विन फ्लेम्स की एक ही समस्या नहीं होती, बहुत सी समस्याएं होती हैं। उनको हेल्थ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसके अलावा उनके पास जॉब, सर्विस या बिजनेस में उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इस प्रकार की तमाम बातें होती है। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके वो सारे वुंड्स, वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर होने लगते हैं और आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। इसके अंतर्गत आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहने लगता है। और 3D में अगर आपके पास कोई जॉब या सर्विस नहीं थी तो वो आपको मिल जाता है। नया बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, उसमें आप सफलता को भी प्राप्त करने लगते हैं। स्पिरिचुअल क्षेत्र में आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं और उस क्षेत्र में आप अपना कैरियर भी बना लेते हैं और कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार आपको अबंडेंस ही अबंडेंस मिलता है। 8 पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। इस जर्नी में जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, ये भी एक डीएम एनर्जी है। पहले जब आपके ट्विन, आपके डीएम जब आपको छोड़ कर गए थे तो आप हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते थे, उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। आपको ये भी नहीं मालूम था कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो ये समझना शुरू करते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अलावा मेरे घर के लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, मदर अर्थ है जिसके लिए मुझे कुछ करना है। आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है और आप खुद के बजाय दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। उस वक्त आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपको अपने दम पर कुछ काम करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और लोगों को सर्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप 3D में किसी जॉब, सर्विस या बिजनेस में हाथ आजमाते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी कार्य करने लगते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगते हैं। और इसके द्वारा जब आपको मनी अर्न होती है तो आप एक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। आप खुद की ज़रूरत पूरा कर पाते हैं, दूसरों की भी ज़रूरत पूरा कर पाते हैं। आपके आसपास रहने वाले लोग, समाज के लोग, देश, दुनिया, प्रकृति के लिए आप कार्य करते हैं, आप उनको सर्व करते हैं। 9th पॉइंट है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस आपकी एक आत्मशक्ति है, आपका विश्वास, आपका विल पावर, जो आपकी डीएम एनर्जी है, आपकी शिव एनर्जी। और जब वो जागृत होती है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अपने कार्य में रिस्क लेते हैं, उस पर काम करते हैं और सक्सेस को भी प्राप्त करते हैं। पहले लोग आपको ट्रिगर करके चले जाते थे, आप उनका जवाब नहीं दे पाते थे, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करेंगे। आपके पास वो जवाब होगा जो आप उन्हें देंगे और वो आपकी बातों का खंडन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर बढ़ जाएगा कि उनके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा और आप बखूबी उनसे बात कर पाएंगे, उनको फेस कर पाएंगे और उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे, जिससे सामने वाला खुद आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। 10th पॉइंट है ग्रेसफुल हो जाना। जब आप खुद पर काम करते हैं, आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है, आप हायर डायमेंशन रेस करने लगते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को सेव करने लगते हैं और ऐसे में डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उस वक्त आपका इनर डीएमडी अब बैलेंस होने लगता है और आपका ग्रेस बढ़ जाता है। आप हजारों लाखों में चमकने लगते हैं। आप किसी भी रंग, रूप या शारीरिक संरचना के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर एक ऐसा ग्रेस होता है जिससे लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं। आपकी बातों से, आपके कार्य से, आपके शब्दों से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं, आपका ग्रेस बढ़ जाता है और यही वो समय है जब आप अपने रियल फॉर्म में आने लगते हैं या आ जाते हैं। उस वक्त आपके ट्विन को पता चल जाता है कि उनकी अदर हाफ यानी कि उनकी डीएफ जागृत हो गई है और उनका ध्यान आपकी ओर होने लगता है। 11 पॉइंट है आपका जीवन एक चमत्कार बन जाता है। जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो आप अपनी विशेष मैनिफेस्ट करने लगते हैं, फिर चाहे वो 3D की हो या स्पिरिचुअल। आप ये देखेंगे कि जो भी आप विचार करते हैं, जो भी चाहते हैं, वो आपके पास आ जाती है, चाहे वो मनी हो, जॉब हो, सर्विस हो, बिजनेस में प्रमोशन हो या कोई सांसारिक वस्तुएं। आप उसे बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ये इसलिए है क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है और इस वजह से आपके जीवन में हर पल, हर घड़ी चमत्कार होने लगता है। आपको अपना जीवन पहले से ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, आपको अपने जीवन में आनंद आने लगता है, आप दूसरों को सर्व करने लगते हैं, आपकी ज़िंदगी में एक शांति होती है, एक पीसफुल सिचुएशन में आप रहते हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं होती, किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। आप हमेशा अपने आप में और अपने साथ एंजॉय करते हैं, हर पल खुशी का अनुभव करते हैं। तो जब आप ये देखेंगे कि जो कुछ आप चाहते हैं वो जल्द से जल्द आपके जीवन में आ रहा है, तो आपका जीवन एक चमत्कार बन जाता है। 12th पॉइंट है डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करना। एक ऐसा समय था जब आप खुद को या दूसरों को ब्लेम करते थे या आपके मन में बहुत सी शिकायतें होती थी, आप किसी भी बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये जर्नी सिखाती है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेना है, हमारे जीवन में जो बातें हो रही है उन्हें खुद ही सुधारना है, उसे हील करना है। और जब आप खुद पर काम करके खुद को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी से जो जो चीज़ें गई थी वो सब कुछ आपके जीवन में वापस लौट आया है। आपके रिश्ते, नाते जो बिखर गए थे वो फिर से बनने लगे हैं। 3D की वो तमाम चीज़ें, चाहे वो मनी हो, बैंक बैलेंस हो, लग्जरी लाइफ हो, या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप पाना चाहते थे, उसे आप आसानी से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपके पास बहुत से ऐसे गॉड गिफ्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप दूसरों को भी हील कर पाते हैं, दूसरों को भी मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो जो इतना ज़्यादा अबंडेंस, सक्सेस, प्रोग्रेस आपको अपने जीवन में मिल रहा है, उसकी वजह से आप पूरी रीति से डिवाइन को धन्यवाद देते हैं। आप हर पल, हर क्षण उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, आप सिर्फ उन्हें धन्यवाद देते हैं, और इसके द्वारा आपके जीवन में भी आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स बढ़ने लगती है। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपको अधिक से अधिक रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डीएफ का इनर वर्क, जो खुद पर काम करती है, उसके द्वारा वो चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है, खुद को हील करती है, कंप्लीट करती है, बैलेंस करती है, और इसके द्वारा उनका अपने डीएम से 5D में सोल मर्जिंग होती है और उसके बाद 3D में भी रियूनियन होता है। तो अगर आप खुद पर फोकस करते हैं, खुद पर काम करते हैं, तो निश्चित ही एक ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आपके डीएम वापस आएंगे और वो अवेकन होकर आएंगे, और उसके बाद आप दोनों मिलकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे, अपना अपना सोल पर्पस अदा करेंगे। तो प्रियो, इस प्रकार ये जर्नी पूरी होती है। होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।